आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के अध्याय 7 में भोजन के पोषक तत्व ग्रह विज्ञान में कि पोषक के तत्व क्या होता है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, जैसे साइकिल या गाड़ी में पेट्रोल की तरह, इसलिए हमें भोजन करना चाहिए। अब भोजन के तत्व और पोषक के बारे में पढ़ेंगे। भोजन के तत्व के संबंध में विभिन्न खोज की गई जिनसे 6 तत्व पाए गए। पहला है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि तत्वों से मिलकर बनता है। प्रोटीन के मात्र साधन है प्राणी प्रदत्त पदार्थ और दूसरा है वनस्पति पदार्थ। प्राणी प्रदत्त प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अधिक उपयोगी होती है, इसलिए इसे ए प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन अंडे, मांस, दूध, गेहूँ, मटर और सभी प्रकार की दालों में पाया जाता है, जैसा कि चित्र में बताया है। मटर, फूल गोभी, बादाम, नारियल, बीज आदि। पनीर में भी प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन के कार्य शरीर की वृद्धि में सहायक होना, शरीर में नवीन कोशिकाओं का निर्माण करना, शरीर की टूट फूट की क्षतिपूर्ति करना। प्रोटीन के द्वारा शरीर में जैविक रसों का निर्माण होता है, शरीर का भार बढ़ता है, शरीर को उष्णता मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, इन्हें कार्बोजेस विस्तार में भी कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन नामक रासायनिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट पानी में विलय होता है और स्वाद मीठा होता है। जटिल कार्बोज पानी में विलय नहीं है, स्वाद भी मीठा नहीं होता। इनमें दो प्रकार के पदार्थ, शक्कर देने वाले और दूसरा मार देने वाले। प्राप्ति के साधन शाकाहारी भोजन में अधिक पाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में बताया, गन्ना, खजूर, पिंड खजूर, अंगूर, शक्कर, गेहूँ, चावल आदि दालों, गेहूँ, साबुदाना से भी शर्करा को ग्लाइकोजन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज से प्राणी शर्करा को ग्लाइकोजन कहते हैं। गन्ने में सुक्रोज, अंगूर में ग्लूकोज, फलों में फ्रक्टोज, दूध में लैक्टोज पाया जाता है और इनसे इन रूप में शर्करा पाई जाती है। अधिक सेवन से पचता नहीं है और मनुष्य को रुचि मोशन हो जाते, धातु रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्रियाशीलता कम हो जाती है और शरीर संचित वसा, गर्मी और शक्ति उत्पन्न करने के लिए खर्च हो जाती है। भोजन की कुल कैलोरी के भाग में 50% कार्बोहाइड्रेट भोजन में होना चाहिए। इसका भोजन उपयोग होना आवश्यक होता है। इसके अभाव में शरीर दुर्बलता हो जाएगा और शरीर के आंतरिक अवयवों का विकास रुक जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, शरीर को गर्मी और शक्ति प्रदान करना, शरीर का तापमान समान बनाए रखना, शरीर में अधिक मात्रा में पहुंचने पर यह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, शरीर को आवश्यकता पड़ने पर यह काम आता है। मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करना, वसा के ऑक्सीडेशन से सहायता करना। अब है तीसरा, वसा। वसा उन्हीं तत्वों से बना होता कार्बोहाइड्रेट में रहते हैं। वसा चर्बीदार अम्ल और ग्लिसरीन का मिश्रण है। वसा में नाइट्रोजन तत्व नहीं होता, पानी में पूरी तरह अविलय है। प्राप्ति के साधन वसा दो प्रकार की होती है, जैसे जंतुओं से और दूसरा पौधों से। पशुओं की चर्बी, अंडे की चर्बी, मछली का तेल, घी, दूध आदि के रूप में पशुओं से प्राप्त होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये तेल है। दूध, क्रीम, मक्खन आदि से वसा प्राप्त होती है। सरसों का तेल, तिली, बादाम, वनस्पति पदार्थों से वसा शरीर को गर्मी, मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। वसा अधिक मात्रा में बनती है तो त्वचा के नीचे तंतु में जमा हो जाती है, जिससे शरीर सुडौल दिखता है। वसा शरीर के आंतरिक अवयवों की रक्षा करता है, जोड़ों को चोटों से बचाता है, शरीर को गर्मी सर्दी से बचाता है। वसा शरीर में चिकनाई पैदा करता है। वसा में ADE पाया जाता है और यह शरीर को मोटा बनाती है, जो शरीर में कई रोगों को जन्म देता है। अब है चौथा, मिनरल साल्ट। हमारे शरीर में 20 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोराइड, तांबा, गंधक आदि। अब इसमें कैल्शियम, हमारे शरीर में हड्डी और दांतों के और स्वस्थ रहने के लिए, शक्तिशाली होने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। गर्भवती माता को भी दूध पिलाने के लिए आवश्यक है। इसकी प्रतिदिन बालकों में 1 ग्राम और बड़ों में 1.5 ग्राम तक मात्रा होना चाहिए। माताओं के लिए यह मांग 2 ग्राम तक होती है। प्राप्ति के साधन है दूध, पनीर, मक्खन,
अंजीर आंवला, मूली, चूना आदि। फास्फोरस, कैल्शियम के साथ साथ हमें फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है, दांत और रस्सियों के निर्माण में सहायक होते हैं। फास्फोरस एक दूसरे के सहायक हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। दूध, पनीर, अंडा, मछली, तिली, दालें, सब्जी, अखरोट आदि से मिलता है, और हरी सब्जियों, पालक से मिलता है सबसे अधिक फास्फोरस। लोहा, मनुष्य के शरीर में रक्त लाल कणों से निर्माण होता है। लाल रक्त कणों की उम्र केवल 6 सप्ताह होती है, इसके बाद नष्ट हो जाती है। लाल रक्त कण बनाए जाते हैं, इसलिए हमारे शरीर में सदैव आवश्यकता बनी रहती है इसकी। इसकी कमी से रक्त अल्पता, एनीमिया हो जाता है। यह यकृत, दूध, अंडे, मछली, पालक, सरसों की तिल, अनार आदि में पाया जाता है। आयोडीन, यह वनस्पति तत्व है और यह थायराइड ग्रंथि का समुचित विकास करता है, गोइटर रोग अलग करता है। 60 से 100 मिलीग्राम आयोडीन की आवश्यकता हमें होती है। गंधक, गंधक या सल्फर प्रोटीन का एक ही अंश है। यदि प्रोटीन में की मात्रा पर्याप्त हो तो सल्फर की मांग अपने आप पूर्ण हो जाती है, और यह बाल और नाखून की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीजन की क्रिया होती है। कार्बन पदार्थों के पाचन के इंसुलिन का निर्माण करने में गंधक सल्फर सहायक होता है। हमारे शरीर में 175 ग्राम गंधक पाया जाता है। सामान्य लवण है सोडियम क्लोराइड। हम भोजन के साथ नमक का प्रयोग करते और इसके द्वारा हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। पोटेशियम या रक्त में पाया जाता तंतु का निर्माण करता है, इसलिए इसकी कमी से अनुभव हो पाती है। हमें प्रतिदिन 2 ग्राम सूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर में 245 ग्राम पोटेशियम रहता है, इससे बेरी बेरी नामक रोग होता है। मैग्नीशियम बहुधा मनुष्य के शरीर में इसकी कमी नहीं होती है, कुछ पदार्थों में मात्रा में रहता है। हरी सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। क्लोरीन, यह शरीर में रोग प्रतिबंधक शक्ति को सहायता पहुंचाता है। दूध, आलू, अंडे के सफ़ेद भात में पाया जाता है। तांबा, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है। रक्त में यह तत्व पाया जाता है, प्राणवायु पहुंचाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन में प्रत्यक्ष रूप से यह रहता है और रक्त बनाने में मदद करता है। कॉपर, जस्ता, अब यह है इंसुलिन बनाने में मदद करता है। जिंक, सोडियम कार्बोनेट, यह शुद्ध करने के शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को नियंत्रित करता है। विटामिन, 1881 में चूहों पर परीक्षण करने पर पता चला कि भोज्य पदार्थों में विकास, जीवन विकास के द्रव्यों की सूक्ष्म रूप की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम विटामिन कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में लड़ने, रोग प्रतिरोध लड़ने की शक्ति होती है, नष्ट हो जाती है। मनुष्य का स्वास्थ्य गिर जाता है इसकी कमी से, विटामिन की कमी से। शरीर की सहन शक्ति कम, भोजन के प्रति अरुचि होती है, दांतों में पाइया हो जाता है, नेत्र निर्बल हो जाते हैं, त्वचा संबंधी रोग हो जाता है और जनन क्षमता कम हो जाती है। इसलिए सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए विटामिन की भी आवश्यकता होती है और हमें भरपूर विटामिन का सेवन करना चाहिए। विटामिन ए, यह वसा में घुलनशील है और ये दूध, दही, मक्खन आदि में पाया जाता है। मछली में गाजर, टमाटर, सलाद, गोभी, लहसुन, इसके कार्य हैं। विटामिन ए के कार्य हमारे शरीर के विकास में सहायक होना और इसके सेवन से रोग निरोधक शक्ति उत्पन्न होती है। यह नेत्रों के लिए आवश्यक होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। दूसरा विटामिन B1, इसके कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे, बी कॉम्प्लेक्स। इसमें B1, B2, B6 शरीर के विकास के लिए तथा पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक होता है। इसमें विभिन्न विटामिन थायमिन के नाम से पुकारा जाता है। अंडे, खमीर, मांस, मटर आदि में पाया जाता है। B2 रिबोफ्लेविन के नाम से पुकारते हैं। इसकी कमी से चर्म रोग या नेत्र रोग हो जाते हैं। अब विटामिन के कार्य, विटामिन बी के कार्य हैं कि कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, तो इससे पाचन शक्ति में वृद्धि करता है और यह हमारे शरीर की रोग निरोधक शक्ति बढ़ाता है। यह हृदय संबंधी रोगों से रक्षा देता है। यह वसायुक्त पदार्थों में भोजन की पचाता है। शरीर के अंगों में आंतरिक अवयवों को क्रियाशील बनाता है। विटामिन 6,
यह नाइसिन के रूप में उकारा जाता है। रक्त प्रवाह को ठीक करता है, निरोग सशक्त रखता है और यह चोकर रड़ने के मांस गुर्दे जिगर आदि में पाया जाता है। पेलिग्रा नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से, B6 की कमी से। यह है, अब इनके स्रोत हैं विटामिन B1, B2, B5, 6 हैं, दूध मांस जिगर इनसे यह प्राप्त होता है। विटामिन 6 इसकी आवश्यकता लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन में होती है, इनकी कमी से रक्तहीनता नामक रोग। विटामिन सी जल में घुलनशील है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। प्राप्ति के साधन है आंवला, अंगूर, नींबू, संतरा, टमाटर, अनानास, हरी सब्जियों में बहुत मिलता है। जैसा कि अभी कोरोना चल रहा है उसमें भी हमें यह विटामिन सी की आवश्यकता अभी चल रही है। आंवला, नींबू, अंगूर, नींबू, संतरा, टमाटर में पाया जाता है। यह रक्त को शुद्ध करता है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है, अस्थियों दांतों की वृद्धि करता है। विटामिन सी की छोटे बच्चों को बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि उनके मसूड़े फूल जाते हैं। जो लोग विटामिन सी का भरपूर प्रयोग करते हैं उन्हें तपेदिक, निमोनिया, टाइफाइड आदि रोग नहीं होते हैं। विटामिन डी, यह विटामिन घुलनशील है, इसकी कमी से सूखा, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है बच्चों और गर्भवती दूध वाली महिलाओं को बहुत ही आवश्यक, इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। विटामिन ई, इस विटामिन से संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसकी आवश्यकता होती है प्रजनन शक्ति, गर्भपात होने से। प्राप्ति के साधन है अंकुरित गेहूँ, दूध, अंडे, मक्खन में पाया जाता है। विटामिन के, इस विटामिन की खोज 1934 में हुई, इसके द्वारा कारण कमी से रक्तस्राव तीव्र रूप से हो जाता है और रक्त का थक्का इसी कारण से जमता है, इसलिए इसकी भी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की इनकी प्राप्ति के साधन है जीवन सत्व पालक, टमाटर, आलू, चोकर आदि दूध में भी पाया जाता है। विटामिन की विशेषताएँ, विटामिन अधिक ताप पर नष्ट हो जाते हैं, एक बार पके हुए पदार्थों को बार बार आग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भी विटामिन नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकाते समय विटामिन भाप के द्वारा उड़कर नष्ट हो जाते हैं, इसके लिए पदार्थों को ढककर पकाना चाहिए। भोज्य पदार्थों को जिस पानी में पकाया जाए उसे पानी को नहीं फेंकना चाहिए, केवल इतना ही पानी लें जितना उबाल सके। जल, अब है हमारे शरीर के लिए जल की भी आवश्यकता होती है, अब हम जल के बारे में पढ़ेंगे। यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2:1 से बनता है, इसकी पूर्ति खाद्य पदार्थ तथा सीधा पीने से होती है। यह एक माध्यम है, 60% से 75% हमारे शरीर में जल पाया जाता है। जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, पेय पदार्थ आहार लेने पड़ते हैं, नहीं तो हम शरीर से प्रतिदिन हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने और उत्सर्जित पदार्थों से यह निकलता रहता है। बिना जल के मनुष्य अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता है। जल के कार्य हैं, जल मानव शरीर में पाचन क्रिया में पहुँचाता है, मदद करता है, यह शरीर के निरुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, गुर्दों को साफ करता है, जल रक्त को तरल बनाए रखता है। जल हमारे शरीर को शुद्ध जल तापमान को कम करता है और प्रत्येक दिन हमें जल ग्रहण करना चाहिए। कई प्रकार के रोगों को जाने से हमें इसकी संभावना बनी रहती है। विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन रोग, निर्बल मांसपेशियां, शारीरिक कमजोरी, मंद मानसिक प्रतिक्रिया, रोग निरोधक क्षमता की कमी, बच्चों में मेरेसस तथा क्वाश कोर बीमारी हो जाती है जिसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, चेहरा अना खलसक होता है। जरूरत 40 से 60 ग्राम प्रति व्यक्ति गर्भावस्था में 10 से 20 ग्राम अतिरिक्त होता है। कार्बोज रोग, शरीर में भार में कमी हो जाती, वसा से वृद्धि और विकास रुक जाता है। विटामिन ए वृद्धि में कमी, रतौंधी संक्रमण की बीमारी आदि हो जाती है। विटामिन बी से थायमिन से वृद्धि में कमी, शारीरिक में बाहर में कमी, हृदय में तीव्रता, थकान, पाचन में कमी हो जाती है। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन से नेत्र में कम ज्योति में कमी हो जाती है, चीप होठों के किनारे पर जख्म हो जाते हैं, इसकी जरूरत हमें 1.5 मिलीग्राम होती है। विटामिन 3 यहाँ से लाल चिकनी जीप, मानसिक तथा पाचन रोग, विकार आदि।
जरूरत है 10 मिलीग्राम। विटामिन 6 पाइरिडॉक्सिन त्वचा में ऐंठन पहले ग्राम आज, जरूरत है 8.5 ग्राम। विटामिन बी 21, रक्त अल्पता हो जाता है इससे, जरूरत है इसकी 1 से 2 मिलीग्राम। विटामिन सी, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूर वसूर खून निकलने लगता, इसकी जरूरत है 50 ग्राम होती है। विटामिन डी, अस्थि की कोमल तथा सूखा रोग होना, दांतों के विकास में कमी तथा क्षतिग्रस्त होना, इसकी जरूरत हमें 400 से 800 IU पड़ती है। विटामिन ई, रक्त जमता की कमी में आती है। विटामिन के, रक्त प्रवाह की प्रवृत्ति को रोकते हैं। जरूरत है आंतों में उत्पादित मात्रा ही पर्याप्त है। कैल्शियम, अस्थि निर्माण में कमी, दांतों में ग्रोथ पेशी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। रक्त अल्पता लोहा से होती है, फास्फोरस से दांतों में अक्रियशील हो जाते हैं, सोडियम से रक्तचाप घटना, भूखना लगना आदि होता है। गर्भवती स्त्री के आहार का चार्ट बताया है कि कितनी कैलोरी है, आपको इस चार्ट को देख के लिखना है। कैलोरी ऊर्जा शक्ति को मापने की इकाई है। जैविक कार्य करने में व्यय की गई ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है। उपस्थित ऊर्जा की गणना कैलोरी में होती है और किसी खाद्य पदार्थ की कैलोरी उस पदार्थ में प्राप्त होने वाली ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, जिसे हम कैलोरी कहते हैं। कार्य के अनुसार बताया है कि नींद के समय हमें 86 कैलोरी, खड़े होने के समय 130, साइकिल चलाने के समय 1.38 ग्राम और तीव्र गति से चलने के लिए 2.70 ग्राम, रक्त करने के समय 3.90 ग्राम, तैरते के समय 3.12 ग्राम और दौड़ने के समय 3.76 ग्राम आदि कैलोरी की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्वों के कैलोरी के मूल्य का यह चार्ट है, जिसको आपको देखकर बनाना है और पढ़ना है। अब है ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक एक इसी यूनिट से 5 नंबर का आता है। जैसे भोजन के तत्वों के नाम लिखिए, प्रोटीन के प्रकार, विटामिन के प्रकार, विटामिन बी से क्या होता है, ए से क्या होती है, कौन सी बीमारियाँ होती है, विटामिन सी की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों जरूरत पड़ती है आदि आदि, ये सब आपको प्रश्न आपकी कॉपियों में करने हैं।